नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग के बारे में। क्या दोस्तों आपके पैर में स्वेलिंग है यानी सूजन है? क्या हाथ में आपके सूजन है? अगर पैर में सूजन है तो आपको चलने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हाथ में है तो आपको किसी सामान को उठाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों घबराइए मत, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ सूजन पर काम करती है, ख़ास तौर पर हैंड और फिट, हाथ और पैर पर जो सूजन होते हैं उस पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कारगर मेडिसिन है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहिएगा। मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इडिमा क्या होता है, स्वेलिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किन किन कारणों से हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो सिर्फ़ और सिर्फ इडिमा के ऊपर ही काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके पैर में या फिर अगर हाथ में आपके सूजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वेलिंग, स्वेलिंग किन किन कारणों से होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वेलिंग क्या होता है। स्वेलिंग में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी टिशू में। अगर आसान भाषा में कहें तो बॉडी की टिशू में वाटर का एक्यूमुलेशन एक्सेस होने के कारण रिजल्ट में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कॉमन कॉजेज़ के बारे में, ये किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले अगर कहीं आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण सूजन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लंबे समय से खड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप खड़े हैं, तो उस कंडीशन में हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर पैरों के निचले भाग में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे कॉमन कॉज के बारे में। दोस्तों जो तीसरा होता है, अगर हम खाने में साल्ट की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारे शरीर में सूजन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर थायराइड डिसफंक्शन हुआ तो इस कंडीशन में भी हमें शरीर में सूजन देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो हाथ और पैर के सूजन के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों वो मेडिसिन है एडल 33, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो सिर्फ़ और सिर्फ इडिमा के ऊपर काम करती है। अगर आपके हाथ या पैरों में स्वेलिंग है जिसके कारण आपको चलने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप दोस्तों इस मेडिसिन का सेवन ज़रूर करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन एडल 33 इडिमा ड्रॉप के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों ये मेडिसिन जर्मनी की है। तो अब बात कर लेते हैं एडल 33 मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन डालकर बनाई जाती है। इसमें जो पहली मेडिसिन है एस्कुलस हिप 8X, दोस्तों ये मेडिसिन सूजन के लिए तो लाभकारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको पाइल्स की शिकायत है उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ साथ एपोसाइनम, कैनवेलेरिया, फिलिपिंडुला, हेलिबोरस, सेम्बुकस, स्टिगमाटा और थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन डली हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपसी यानी इडिमा स्वेलिंग पर वर्क करती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडल 33 को कितनी कितनी ड्रॉप्स हमें लेनी चाहिए और कितनी बार लेने चाहिए ताकि हमारे जो हाथ और पैर की जो स्वेलिंग है उस पर ये मेडिसिन अच्छे से वर्क करे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इस मेडिसिन को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सी मेडिसिन है।
देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से नहीं दिख रही, मैं पिक्चर लगा दूंगा आपको, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को हम ऐसे खोलेंगे, एक कप पानी लेंगे, चाय जितना पीते हैं उतना एक कप पानी लेंगे, उसमें 8 बूंद ऐसे से डाल लेंगे, फिर उसको चाय की तरह आपको पीना है। दोस्तों इस मेडिसिन को 3 बार आपको लेना है, वो भी खाली पेट, सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों ये मेडिसिन एडल 33 सिर्फ और सिर्फ हाथ और पैर की सूजन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर आपके पैर में स्वेलिंग है, अगर बहुत ही ज़्यादा है, तो इस मेडिसिन को आप लगभग 5 से 6 महीने आप यूज़ करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर सूजन कम है हाथ या पैर में, अगर सूजन कम है, तो आप इस 2 से 3 महीने लगभग यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर के एडिमा में ही काम आती है। दोस्तों अगर आपके हाथ और पैर में जो स्वेलिंग है हेपेटिक से रिलेटेड है, या फिर किडनी से रिलेटेड हो, लिम्फेटिक रिलेटेड हो, या फिर कार्डियक रिलेटेड हो, इन सारे स्वेलिंग में ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। दोस्तों इस मेडिसिन का मैंने जिस तरीके से इस्तेमाल बताया है, आपको उस तरह से इस मेडिसिन को लेना है, बिफोर मील, खाने से पहले, यानी खाली पेट आपको इस मेडिसिन को लेना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।